हेलो एवरीवन, मैं सदा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। अगर आप इगतपुरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो जाने से पहले इस वीडियो को डिटेल में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कौन से रिजॉर्ट, कैसे जाना है और कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हो और कुछ जगह जो बंद हो चुकी है जहाँ जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आइए सुहाने सफर की शुरुआत करते हैं आपके साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप इगतपुरी पहुंचे कैसे। अगर आप मुंबई से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप बाय ट्रेन या बाय कार जा सकते हैं। दोनों का जो टाइम है सेम है, आप 2.5 घंटे में बाय कार और 2.5 घंटे में बाय ट्रेन पहुंच जाएंगे। अगर आप कार से जाते हैं तो आपको खूबसूरत नज़ारे कसारा घाट होते हुए देखने को मिलेंगे, वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोगों ने जो बुक किया है वो है करी लीव्स का द हर्ब फार्म, जो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम हाईवे टच है। ये ह्यूज पार्किंग है यहाँ पे। रूम टूर मैं पहले आपको करा देती हूँ। इनका जो रूम है बहुत ही हटके है, सामने एकदम जो रिजॉर्ट है इसके लेक है, पीछे अलग कॉटेजेस भी हैं। और ये जो कॉटेज हम लोग ने लिया है, लेक व्यू लिया है, थोड़ा सा कॉस्ट इसका हाई है। हम लोगों ने जो बुक किया था उसके चार्जेस थे अराउंड 8,000, जी हाँ, वन नाइट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये कुछ नया है, ये वुडन रूम जो बना है कश्मीर के जैसा कुछ कुछ दिख रहा है। बाथरूम वगैरह का टेंशन बिल्कुल नहीं है, एकदम साफ है, वेस्टर्न है। ऊपर का रूफ आप देख सकते हो, एकदम ब्रिटिश जैसा टच दे रहा है। तो शाम की चाय हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी थक गए थे, अच्छी खासी ट्रैवलिंग हो गई। जब तक मैं बात कर लेती हूँ इगतपुरी, इगतपुरी इज़ अ टाउन एंड हिल स्टेशन इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन। इगतपुरी फेमस क्यों है अगर कहा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट विपासना मेडिटेशन सेंटर यहाँ पे है, जिसका नाम है धम्मगिरी। जी हाँ, ये है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट के दो रेस्टोरेंट है, एक एसी और नॉन एसी, जहाँ चाहें आप अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी, यहाँ आपको प्योर वेज मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बाहर जाकर फूड ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको बाहर भी मिलेंगे। काफ़ी सारे ढाबे हैं, काफ़ी सारा फूड कोर्ट्स है, जैसे कि KFC, मैकडी भी पास में है, आप जा सकते हैं 2 किलोमीटर की रेंज में। टेबल टेनिस, पूल, कैरम, बैडमिंटन, साइकिल, चेस, लूडो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। तो अगर आप प्लान अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं तो टेंशन की ज़रा भी बात नहीं है, क्योंकि कहाँ दिन जाएगा आपका आपको खुद भी खबर नहीं होगी। आइए इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं अपने रूम से निकलकर, खूबसूरत नज़ारे देखते हुए बाहर की तरफ रवाना होंगे। हर तरफ ग्रीनरी है, मतलब इगतपुरी में आपको हर तरफ पहाड़ियाँ और हरे भरे पेड़ पौधे, यानी कि हरा भरा सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस मौसम में बारिश हो जाए तो क्या ही कहने। तो ये यहाँ पर जो रिजॉर्ट बना है ये कॉटेजेस के फॉर्म में बना है। सामने देखिए ट्रेन आ रही है, इतना अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं गांव में मैं आ गई हूं। अगर ऐसी फीलिंग आपको चाहिए तो यहां पर जरूर आइए। आइए आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं। तो जैसे ही ये कॉटेज थोड़ा नीचे बना है और ऊपर आप सामने देख सकते हैं बच्चों के लिए अच्छे खासे स्विंग है। ये सामने एंट्री है, यहाँ से हम लोग आए थे। और यहाँ पे बहुत ही सेफ तरीके से बनाया है जिससे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। सामने मैंने आपको दिखाया था रेस्टोरेंट है इनका, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे लेक दिख रहा है और यहाँ है स्विमिंग पूल।
आइए पूल साइड आपको ले चलती हूँ। ये है इनका दूसरा कॉटेज कुछ इस तरीके से। अगर आप ट्री हाउस लवर है, अगर कुछ इस तरीके से नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं और इनका कॉस्ट भी कम है। ये ट्री हाउस का जो चार्ज है वो 5000 है। ये थोड़ा सा छोटा होगा जो मैंने रूम दिखाया उससे। यहाँ पे भी सेटिंग है। शाम में यहाँ पे सनसेट और सुबह में यहाँ पे सनराइज जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा देता है। आइए यहाँ का ब्रेकफास्ट दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड है, जो भी चार्जेस हैं होटल के आपके। बुफे लगता है मॉर्निंग में, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियां फ्राई हो रही हैं और क्या क्या है, चाय है, कॉफी है, ये है बटाटा वड़ा, ये है मेरा फेवरेट मिसल तीखा रस्से के साथ, चूड़ा भी है और क्या है, ये है पाव और ये है साबूदाना खिचड़ी, ये है पोहा, पोहा काफी अच्छा था वैसे, ब्रेड है और फ्रूट्स है, कुकीज है, मस्का है, जैम है, इतना इनफ है आपके नाश्ते के लिए। नाश्ते के साथ यहाँ पे गेम्स का भी अरेंजमेंट है जिससे बच्चे आपको तंग नहीं करने वाले। ये एक अलग सा सेक्शन है यहाँ पे। जब मैंने यहाँ के स्टाफ से पूछा कि ये अलग से बनाया हुआ है तो उन्होंने बोला आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन, बर्थडे वगैरह अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप डेकोरेशन के साथ कर सकते हो। तो गाइज अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है और यहाँ से आपको हर तरीके से सारा व्यूज देखने को मिलेगा 360 डिग्री पे। ये आप रिजॉर्ट भी देख सकते हो, सामने लेक है, ये स्विंग है, सामने रेस्टोरेंट है। तो गाइस आज हमारा चेकआउट है और मैंने ऑलमोस्ट आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर कर दी है, तो देर मत करिए। द हब करी लीव्स का जो ये फार्म हाउस है, यहाँ पर आइए, बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी इंजॉय करने के लिए और उससे भी ज़्यादा आप और आपकी फैमिली एक खूबसूरत सा एनवायरनमेंट जो बोल दो, ग्रीनरी, साथ में देखिए ट्रेन है और ये लेक है, ये सारी चीज़ें, साइकिलिंग वगैरह, गेम्स, एक फैमिली के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं इंजॉय करने की, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। सो देर मत करिए, एंजॉय करिए आकर यहाँ पर, जल्दी से मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए और बड़ा सा सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे सबसे पहले वीडियोस आपके पास पहुँचे। मैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड फाइंड अ पूरी इन यू। बाय बाय। ओहो, आपने क्या सोचा वीडियो खत्म हो गई है? जी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, फटाफट से देख लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो। जी हाँ, सो चलिए मेरे साथ हैव अ लुक। तो ये है कैमल पॉइंट। कैमल पॉइंट में बिल्कुल इसी तरीके से आपको नजारा देखने को मिलेगा। ये है म्यांमार गेट। इस गेट से होते हुए आप जाएंगे अंदर मेडिटेशन सेंटर, विपासना सेंटर। ये है यहाँ का फूड कोर्ट। अगर खाना आपको कहीं कुछ समझ ना आए तो 2 किलोमीटर की रेंज में आपको बच्चों के लिए मैकडी, KFC, सारी जो ब्रांड्स हैं यहाँ पे, डोमिनोज वगैरह मिलेंगे। तो टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है खाने के लिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं नासिक की तरफ। यहाँ से नासिक बहुत पास है तो हम लोग ने नासिक को भी एक्सप्लोर किया था। MTTC बोट क्लब नासिक, अ हाईली अफोर्डेबल एंड ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट इन नासिक, जिसका टाइमिंग है 9 to 8। यहाँ पर बोटिंग होती है, फूड कोर्ट भी है, स्नैक्स वगैरह अच्छे खासे मिलते हैं और यहाँ का नज़ारा तो आप देख ही सकते हो।
बच्चों के लिए साइड में स्विंग्स भी है। सेकेंड है सुला वाइन यार्ड। सुला वाइन यार्ड की डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। जो की सुला हैज ग्रोन टू बी इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट अवॉर्डेड वाइन ब्रांड। यहाँ का नजारा कसारा घाट होते हुए कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, चारों तरफ पहाड़ियाँ। काफी सारी चीजें आपको नेट पर मिलेंगी, लेकिन कई सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, जिनमें से एक था अशोका वाटरफॉल, जहाँ पे अशोका मूवी की शूटिंग हुई थी। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय, टेक केयर।